नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी पार्ट थर्ड में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये मेरा बीएससी पार्ट थर्ड का मेरा ये सेकंड टॉपिक है, जिसमें पहले टॉपिक में मैंने बताया था, यानी पहले सीरीज में हमने बताया है रियल एनालिसिस पर। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं और बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया है। क्वेश्चन के साथ बहुत तरह के कॉन्सेप्ट को हमने समझाने की कोशिश किया है। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ये आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये मेरा एक ब्रीफ में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद तुरंत इस पर क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से परिचय कराते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमको क्या क्या चीज़ों को अध्ययन करना है। और उसमें कुछ डिफाइन वर्ड होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ जो है डिफाइन वर्ड होते हैं, कुछ डिफाइन टर्म होते हैं। उन टर्म को अगर हम जान जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको भरपूर ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 12th क्लास में पढ़ना है। और 12th क्लास के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो 12th क्लास में मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन बेहतर अगर देखा जाए तो 11th क्लास में मिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में भरपूर है, उसमें जाकर देख लीजिए। 5. एनसीईआरटी बुक में 5.1 5.2 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखेंगे तो काफ़ी मजा आएगा। मैंने कोशिश किया है छोटे छोटे बातों को बताने का, फिर भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बेहतर सीखना हो और आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बढ़िया से सीखें, तो जो है मैंने 11th क्लास में 5.1 5.2 और भी बहुत सारा वीडियो, मैंने लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। थोड़ा सा देख लेंगे तो बेसिक ज्ञान हो जाएगा, तो ये काफ़ी समझने में सुविधा होगा। मैंने कोशिश किया है चीज़ों को बताने का। शुरू करते हैं, देखिए पहले आपको हम बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि हम थोड़ा सा आपको ज्ञान दे रहे हैं एक्स्ट्रा। देखिए, जैसे शुरू शुरू में जैसे हम लोग मैथ पढ़ना शुरू करते हैं, तो बचपन से जब हम लोग मैथ शुरू करते हैं तो हम लोग नेचुरल नंबर पर काम करते हैं, मैंने काउंटिंग नंबर पर। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं W, यानी होल नंबर पर। होल नंबर के बाद थोड़ा सा अगर हम काम अगर करना शुरू करते हैं तो उसमें हम लोग इंटीजर पढ़ने लगते हैं, यानी कि जेड या आई, इसी को जेड बोलिए या आई बोलिए, जेड या आई इंटीजर। अगर थोड़ा सा इस पर और हम अगर काम करते हैं होल नंबर के बाद इंटीजर के बाद अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा रेशनल नंबर मिल जाता है, दिस इज द क्यू। अगर इसमें थोड़ा सा और आगे हम नंबर को अगर स्टडी करते हैं, ये सब मैथ की शुरुआत से हम लोग जो पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका ये रियल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जो है ये मैथ का नया ब्रांच है, और ये मैथ से हर चैप्टर के मैथ के हर टॉपिक से बिल्कुल अलग हट करके है, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही कुछ अलग है। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया ब्रांच दिया गया है। और ये बेसिकली शुरुआत जो है क्लास 11 से शुरू हो जाता है, बाकी आगे क्लास तक मिलते रहते हैं। तो थोड़ा सा उसको देख करके बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कोशिश किया है, पहले हमको N पढ़ना था, N पढ़ लिए, W उसके बाद Z उसके बाद Q उसके बाद R, ये सब चीज़ हमने छोटा क्लास में पढ़ा है। बट नया चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो 11th क्लास में, वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात, हम सीधे पॉइंट पर बात करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, थोड़ा सा डिफिनेशन इस पर आप देखिएगा बोर्ड पर तो बड़े आपको लंबा लगेगा, लेकिन 2 मिनट सब्र करिए। बड़ी मज़ेदार इसमें हमने शब्द लिखा है, बड़ी सोच समझ कर लिखा है, बहुत ही आपके काम का है। देखिए ध्यान से, इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर, देखिए अभी हमने रियल नंबर का जिक्र कर रहा था, तो रियल नंबर के फील्ड में एक इक्वेशन हमको मिल गया, x² + 1 = 0। तो हमने इक्वेशन जब ये मिल गया रियल नंबर के फील्ड में, तो जब इसको सॉल्व करने के करिकुलम शुरू किया गया, तो यहाँ पे हमने लिखा है x + x² + 1 = 0, सिस्टम वाज एक्सपेंडेड, सॉरी हैज नो सॉल्यूशन। अब इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया तो इसका सॉल्व संभव नहीं था,
सॉल्व हो ही नहीं रहा था। तो जब सॉल्व नहीं हो रहा था तो ऐसे क्वेश्चन को कहाँ रखा जाए सेलेक्ट करने का जगह, और सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई मैथ में, कोई भी टॉपिक को तो सॉल्व किसी न किसी भी प्रोसेस से करना ही है। तो ऐसे प्रॉब्लम जब आ करके जब अटक गया, जब सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसी समय मैथ का नया ब्रांच चलाया गया जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। तो ये बड़ी ही लॉजिक मैंने बात आपके साथ शेयर किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो का सॉल्यूशन जब नहीं हो रहा था तो उस समय एक मैथ का नया ब्रांच जनरेट किया गया जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या वह है पूरी कहानी, वीडियो को पूरा देखिए। हैज नो सॉल्यूशन टू परमिट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड सिमिलरली इक्वेशन, इस तरह से और भी इक्वेशन रियल नंबर मिल जाएंगे, द रियल नंबर सिस्टम आज एक्सटेंडेड टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूलर्स इंट्रोड्यूस द सिंबल आई विथ द प्रॉपर्टी विथ आई स्क्वायर माइनस वन। अगर इस पर कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, इंट्रोड्यूस का मतलब जो परिचय का शुरुआत जो जिन्होंने परिचय किया था उसका मैं नाम आपसे बता दूं, बड़ी ही अच्छी बात है। इसमें मैथमेटिशियन है यूलर, यूलर नामक मैथमेटिशियन ने इस पर जिक्र किया और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मैथमेटिशियन आए, लेकिन यूलर ने इस पर काम किया। तो काम करने के लिए उन्होंने एक सिंबल का इस्तेमाल किया जिसको उन्होंने सिंबल आई लिया, जिसको आयोटा कहते हैं, दिस इज द आयोटा, है ना, दिस इज द आयोटा। और ये आयोटा इस सिंबल के बदले में, आई स्क्वायर के बदले में माइनस वन इन्होंने लिया। ही ऑल्सो कॉल्ड आई एज द इमेजिनरी यूनिट, उन्होंने कहा कि आई जो है एक इमेजिनरी यूनिट है, ये यूलर्स ने कहा था, ठीक है ना। द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ फॉर्म ए प्लस आई बी वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर वाज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि अगर कोई भी नंबर a प्लस आई बी के रूप में लिखा हो, है ध्यान से सुनिए, कोई भी नंबर a प्लस आई बी के रूप में लिखा हो, कोई भी नंबर a प्लस आई बी के रूप में लिखा हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। पहचानने का बड़ा शानदार लॉलीपॉप तरीका है, अगर a प्लस आई बी के रूप में कोई भी नंबर लिखा हो समझिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आयोटा आ गया, आयोटा आया तो समझिए कि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आया। तो ये बड़ी ही बहुत अच्छे थी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको मतलब बताने की कोशिश किया, तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये a प्लस आई बी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वेयर a एंड b जो है रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरेट बोलेंगे तो रियल नंबर के हेल्प से ही किया गया है, लेकिन रियल नंबर में ऐसा बिंदु मिल गया जो सॉल्व नहीं हो रहा था तो उसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लाया गया जिसका हेल्प लिया गया आयोटा से। आगे देखिए, अब इसमें मैंने ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का परिचय था कि कोई भी नंबर जो ए प्लस आयोटा के रूप में लिखा हो तो उसको हमको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर वाई द कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे आप देखिए, यहाँ पे हमने दूसरा नोट लिखा है, इफ वी राइट जेड इक्वल एक्स प्लस आई आई वाई वेयर जेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर आप इस नंबर को ए प्लस आई आई बी को ऐसे लिखते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिखते हैं तो जेड को हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आगे देखिए, दूसरा टॉपिक इसमें है कि इस बिंदु है कि x इज रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। इसमें x को हम लोग x को रियल पार्ट कहते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और z को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, z हमको इसको x और y के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये वाला जो x कमा x आई एक्स प्लस आई वाई के टर्म को हम लोग लिख सकते हैं x कमा वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अगर z बराबर ऐसा लिखा हो तो समझिए कि ये लिखा हुआ है किस तरीके से, x प्लस आई वाई के रूप में। आगे देखिए, तीसरा बिंदु, एंड ऑल्सो r z इक्वल x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r z x का मतलब है कि x जो है z का रियल पार्ट है। क्या है? x जो है z का रियल पार्ट है और i क्या है? z का इमेजिनरी पार्ट। i z का अगर कहीं लिखा हो तो समझिए कि इमेजिनरी पार्ट है, और r z लिखा हो तो समझिए रियल पार्ट है। दिस इज द i z इक्वल y लिख सकते हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट हुआ, ये रियल पार्ट हुआ। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा सिंबल हो तो आपको
ये बात पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। आगे देखिए, बाई दुबे हम x इक्वल जीरो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? x इक्वल जीरो। तो x इक्वल जीरो लिखते हैं तो z बराबर आई वाई होगा, देन z इज प्योर इमेजिनरी। अगर बाई दुबे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर x को जीरो, अगर जीरो आ जाता है तो y को हम लोग क्या बोलते हैं? आई वाई को प्योर इमेजिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर इमेजिनरी। आगे देखिए, तीसरा अगला पॉइंट है कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल तब लिख सकते हैं जब उसमें आपको ध्यान समझने की ज़रूरत है। आगे देखिए कि Z1 जो है, ये Z1 X X1 प्लस आई वाई और Z2 X2 प्लस आई वाई टू है, तो इसको हम लोग जेड वन बराबर जेड टू जब लिखेंगे तो उस केस में जब वो इक्वल होगा, जेड बार इसको पढ़ेंगे, जेड ये बेसिकली जो है ये आर्गुमेंट को शो कर रहा है, तो जेड वन बराबर जेड टू जब होगा तो उस केस में इसके रियल पार्ट इक्वल हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएंगे। दिस इज द वाई वन, तो ये वाई वन बराबर वाई टू हो जाएगा और एक्स टू बराबर एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाएगा। रियल पार्ट एक साथ इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट एक साथ इक्वल होंगे। ये जेड जो है कंजुगेट निकालने का कंसेप्ट है कि अगर जेड के ऊपर बाई दुबे जेड लिखा है एक्स प्लस आई वाई तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जैसे हम जेड के ऊपर बार चढ़ा देते हैं तो ये जो है क्या हो जाएगा? कंजुगेट हो जाएगा, जेड का कंजुगेट होगा। जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंजुगेट निकालने को सिखा दिया जाएगा। अगर आपको कंजुगेट निकालना नहीं आता है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लास 11th में 5.1 5.2 में जाकर देख लीजिएगा। तो ये कंजुगेट निकालने का टॉपिक है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। आइए इसको हम बताने की कोशिश किए हैं ग्राफ से, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z बराबर x प्लस आई वाई हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, z बराबर x कमा वाई। अभी आपको बताएं कि आप इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम दर्शाएंगे, बेसिकली ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस टर्म है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे मानकर चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को x डिनोट कर रहा है यहाँ, तो ये x है तो ये भी x होगा। अच्छा, ये y है तो ये भी y होगा क्योंकि ये y के पैरेलल है। बेसिकली z जो है, z कुछ ऐसे होगा, P कोई पॉइंट है तो z जो है x का y होगा। इस तरह से इस प्लेन में दर्शा सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। अच्छा, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं। जहाँ पे हम कोई पॉइंट दर्शाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, उस प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, या इसी प्लेन को है ना आर्गन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, या इसको गौसीय प्लेन बोल सकते हैं, गौसीय प्लेन। तो आर्गन प्लेन भी इसको कह सकते हैं, आर्गन प्लेन कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं और गौसीय प्लेन। अगर आपके बुक में गौसीय प्लेन लिखा है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। अगर आपके बुक में अगर आर्गन प्लेन लिखा है तो समझिए वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है। उम्मीद है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रो था आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ। अभी ये बीएससी पार्ट थर्ड का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसी तरह से बीएससी पार्ट वन का, बीएससी पार्ट टू का दोनों वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह से इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।